तारीख़ इंसानी का अजीम बोसा, द ग्रेट किस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बोसा लेने का अजीब बहाना, तारीख़ इंसानी में ऐसा अजीम और मुनफरिद मोहब्बत का वाक़या नहीं मिलता। आइए इस वाक़े से हम अपनी मोहब्बत को जांचें, परखें और कौली मोहब्बत लिप सर्विसेज से निकलकर अमली मोहब्बत भी इख्तियार करने वाले बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त जब आया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था। आपने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि मदीने में ऐलान कर दो कि जिस किसी का हक मुझ पर हो वो मस्जिद नबवी में आकर अपना हक ले ले। मदीने के लोगों ने ये ऐलान सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मदीने में कोहराम मच गया। सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह की आंखों में आंसू थे, दिल बेचैन, वो बेकरार था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपको इस कदर तेज बुखार था कि आपका चेहरे मुबारक सुर्ख हुआ जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारा अगर कोई हक मुझ पर बाकी हो तो वो मुझसे आज ही ले लो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने रब से क़यामत में इस हाल में मिलूं कि किसी शख्स का हक मुझ पर बाकी हो। ये सुनकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह का दिल तड़प उठा। मस्जिद नबवी में आंसुओं का एक सैलाब बह पड़ा। सहाबा रो रहे थे लेकिन जबान खामोश थी कि अब हमारे आका हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपने अस्हाब की यह हालत देखकर फरमाया कि ऐ लोगों, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मैं जिस मकसद के तहत इस दुनिया में आया था वो पूरा हो गया। हम लोग कल क़यामत में मिलेंगे। एक सहाबी खड़े हुए, रिवायतों में उनका नाम उकाशा आता है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा हक आप पर बाकी है। आप जब जंगे ओहद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आपका घोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, मैं इसका बदला चाहता हूँ। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लोगे? क्या तुम देखते नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं? अगर बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे कोड़ा मार लो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ना लो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, इसे बदला लेने दो, उसका हक है। अगर मैंने उसका हक अदा न किया तो अल्लाह के बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा, इसीलिए मुझे उसका हक अदा करने दो। आपने कोड़ा मंगवाया और हजरत उकाशा को दिया और कहा कि तुम मुझे कोड़ा मारकर अपना बदला ले लो। हजरत साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ये मंजर देखकर बेतहाशा रो रहे थे। हजरत उकाशा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी नंगी पीठ पर आपका कोड़ा लगा था। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ते मुबारक उतार दिया और कहा, लो, तुम मेरी पीठ पर कोड़ा मार लो। हजरत उकाशा ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को देखा तो कोड़ा छोड़कर जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को चूम लिया और कहा, या रसूलुल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कोड़ा मारूं? मैं तो ये चाहता था कि आपकी मुबारक पीठ पर लगी मोहर नबुवत को चूम कर जन्नत का हकदार बन जाऊं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, तुमने जन्नत वाजिब कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से वाकिफ होना, उस पर अमल करना और उसको माशरे में फैलाना, ये हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको बेहतर तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तर्तीब और तहकीक अब्दुल मतीन उस्मानी। हमारे दूसरे वीडियोस भी आपको बामल मुसलमान और शहरी बनाने में माविन वो मददगार बन सकते हैं। जरूर देखिए और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बास होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में भी ज्यादा से ज्यादा आम करें ताकि ऐसे और मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जा सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकान को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।